राम राम भाई सारे ने। तो भाई बहुत सारे मेरे छोटे भाई है के यार बिगनर भाई है के मैसेज आने लग रहे थे कि भैया डाइट बताओ बिगनर आती जो भाई बजट में हो वह डाइट बताइयो आप, क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं है ना हम इतना डाइट पर स्पेंड कर सकते, पर हमने फिर भी अपनी बॉडी गेन करनी है। तो भाई आज मैं आपने कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा, कुछ ऐसे ऑप्शन बताऊँगा सिंपल सिंपल से जिन आप फॉलो करके अपनी गेनिंग कर सको हो। सर्दिया का मौसम है वन ऑफ द बेस्ट मौसम है भाई गेनिंग थी, जिस भाई का वेट नहीं बढ़ता यो मौसम बहुत ही बढ़िया हो भाई गेनिंग करने थी। तो सबसे पहला हम बात करेंगे सुबह की भाई, सुबह सबसे पहले भाई अपनी आदत बनाओ कि आधा किलो पानी आधा लीटर 500 ml पानी तो आपने पीना ही पीना है, गुनगुना पानी, जिससे भाई आपका जो सारा भीतर का है साफ हो जाएगा, आप अच्छे से फ्रेश हो गए, अच्छे से फ्रेश हो लेना जो सुबह भाई, फिर पूरा दिन बहुत बढ़िया रहा है, आपकी पेट की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहा है। तो सुबह भाई फ्रेश होने के बाद हमने भाई सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करनी है, या तो आप दो केले ले सकते हो, दो आलू ले लो और एक कटोरी दही, अगर दही नहीं है तो भाई केले ले लो, ड्राई फ्रूट ले लो थोड़े से, इस तरह आप अपना ब्रेकफास्ट कर सको हो, ठीक है। और कोशिश रखा करो भाई कि सुबह वर्कआउट करो, क्योंकि सुबह जो वर्कआउट करोगे उसमें आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अप होगा मॉर्निंग वर्कआउट करने से, ठीक है। शाम के वर्कआउट के अलग फ़ायदे हुए हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे भाई, ठीक है। तो भाई ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, इसके बाद आप वर्कआउट कर सको आधे घंटे बाद अपना। वर्कआउट के बाद भाई जो डाइट ली जाए अगर ना वह सब तो मेन हो अगर हमारी वर्कआउट के भाई एक घंटे के भीतर हमने डाइट लेनी ही लेनी है। अगर आपने वर्कआउट का नहीं बेरा तो भाई पीछे जाकर आप वीडियो देख सको, मैंने बिगनर भाई आती एक वर्कआउट की वीडियो बना रखी है जिसने आप घर पर करके अपनी बॉडी ने गेन कर सको हो। तो भाई वर्कआउट कर लिया हमने, वर्कआउट के बाद आप क्या खा सको हो, या तो भाई आप बनाना शेक है ना बहुत बेस्ट ऑप्शन है अगर आप ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते ना, अगर आप एग खाओ तो 6 एग खा सको हो, अगर आप ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते तो भाई आप बनाना शेक पी सको हो, और चिक्कू बनाना शेक पियोगे तो भाई उस तो ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। गेनिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, चिक्कू बनाना शेक ले लो, दो केले दो चिक्कू, आधा लीटर दूध, आधा लीटर नहीं पिया जाता तो 250 ml दूध, और भाई उसमें आप एक चम्मच पीनट बटर घेर सको, पीनट बटर नहीं यूज़ करना चाहते तो भाई आप उसमें बादाम घेर सको, ठीक है, जिससे आपने गुड फैट मिल जाएंगे जो आपकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके बाद भाई हमारा होगा स्नैक का नंबर, जो हमारे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में खाऊंगे हमें, तो उसमें हम भाई खा सके कोई भी सीजनल फ्रूट खा सके हैं, जो करीब सर्दियाँ भाई संतरे होया करें, किन्नू होया करें, या फिर आप अमरूद भी खा सको हो, और भाई कोई अगर आप वो भेया करो क्या क्या करो उसने स्प्राउट्स चने हो गए मूँग होगी इनने भी आप खा सको उस टाइम पर, इन चीज़ों का बेरा क्या फ़ायदा है, बहुत सारे भाई कहेंगे कि भला इन तो दही ना बनती, ठीक है, ये चीज़ के हैं और इनमें ना प्रोटीन होता कुछ ना होता इनमें, तो भाई यह चीज़ जो है ना यह चीज़ इसी है जो आपकी गट हेल्थ ना बढ़िया रखे, जो पेट की हेल्थ है ना आपकी जो डाइजेशन हेल्थ है वह एक नंबर की रखेगी। तो भाई स्प्राउट्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करो। तो इसके बाद भाई मारा होगा नंबर लंच का, लंच में हमने क्या खाना, लंच में भाई सिंपल सा रखना है, जो सब्ज़ी बन रही हो खा लो, अगर हो सके पॉसिबल हो सके तो आप दाल राजमा चने छोले ये चीज़ खा सको हो, और भाई लंच में अगर आप चावल ऐड कर लोगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिल लेंगे आपने भाई। तो इसके बाद भाई नंबर आओगे लंच के बाद हमारे भाई एक दो घंटे के बाद जो हम अपना क्या क्या करें उसने डिनर और लंच के बीच में एक स्नैक और लेंगे, तो वो स्नैक हम भाई वो सेम वो बनाना शेक ले सके हैं, दो केले चिक्कू बनाना शेक ले सके हैं, अगर आप चिक्कू ना लेना चाहते तो बनाना शेक ले सको हो भाई, और उसमें आप एक चम्मच पीनट बटर डाल लो, या भाई अपना दो चार बादाम और एक दो काजू किशमिश के घेर के खा लो भाई। तो भाई इसके बाद अगर कोई भाई शाम ने वर्कआउट करे तो भाई शाम ने वर्कआउट करने तभी पहला आप अपने केले खा सको हो, केले भाई वन ऑफ द बेस्ट फूड है गेनिंग के टाइम पर, कार्बोहाइड्रेट्स तो रिच फूड है, और भाई इसमें आपने मैग्नीशियम पोटेशियम की भी बहुत ज़्यादा मात्रा मिलेगी। तो भाई इसके बाद हम बात करेंगे वर्कआउट करने के बाद आप अगर एग खाओ तो एग खा सको भाई, अगर आप एग नहीं खाते वेजिटेरियन हो तो आप 100 ग्राम पनीर ले सको हो। तो इसके बाद नंबर आओ भाई हमारा डिनर का, डिनर में आप भाई सेम 3-4 रोटी तो खाया करो मेरे भाई, अगर गेनिंग करनी है ना तो 3 तो मिनिमम रोटी होनी चाहिए, और उनके अल्लाह सलाद ज़रूर हो, और भाई सब्जी जो घर में बन रही हो खा लो, अगर पनीर हो तो भाई बेस्ट है, अगर ना तो भाई कोई बात को ना कुछ भी खा सको, क्योंकि हमने स्टार्टिंग करनी है वेट बढ़ाना है शुरू में, जो मिल रहा है वो खाना है, घर के गला लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़के खाया तो भाई वो भी नहीं लगेगा, यो नहीं खाऊंगा मैं वो नहीं खाऊंगा, तो लड़ना नहीं है, राजी राजी खाना भाई जो कुछ है,
ठीक है यार। एक भाई सब ते मेन चीज फिर आवे है मरी सुन ते पहला भाई, आधा लीटर दूध अगर आप पी सको तो बेस्ट है, अगर आप आधा लीटर नहीं पी सकते तो एक गिलास दूध और एक गुड़ की डली, डली ने क्या करे पेड़ी कैसे पेड़ी ना कहते तो गुड़ की डली समझ लियो भाई, मतलब इतना सा गुड़ आप उसके साथ सुनते भला ले सको हो। तो एक दो और भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने भाई गेनिंग में हेल्प करेगी, डाइट अच्छी होगी वर्कआउट भी अच्छा होगा, तो भाई सब तब पहली जो चीज़ आओगी फिर आओगी आपकी स्लीप, आपकी स्लीप भाई 7-8 घंटे की होनी चाहिए ठीक है, अगर आप गेनिंग करने लग रहे हो। और भाई रिकवरी का जो मेन टाइम है अगर बॉडी का वो है अगर है 10 PM तक लेकर 2 AM तक, अगर आप भाई फोन चलाने लग रहे हो वार वार ती लेट थी तो भाई कितना भी वर्कआउट कर लियो कितनी भी डाइट खा लियो बॉडी रिकवर नहीं होगी तो आपने रिजल्ट नहीं मिलेंगे ठीक है। दिन रात फोन मत चलाओ, रात सुनती है सोया करो भाई ठीक है। और एक भाई सर्दियां में ना एक के काम कर रहे हैं पानी बहुत कम पीए हैं, तो भाई पानी का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ में, पानी ज़रूर पीना पड़ेगा क्योंकि अगर आप अपनी डाइट बढ़ाओ तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी ने पानी भी थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा उसने डाइजेस्ट करते ही। और एक भाई खाने के तुरंत बाद कदे पानी मत पियो, उस तक भाई आधा पौना घंटा बाद पानी पिया करो। और ये कुछ भाई आप तो स्टेप बताए जिसने आप फॉलो करके अपना गेनिंग कर सको, और इन चीज़ों ने अगर कोई 100 की 100 फॉलो करेगा ना तो भाई 1001% रिजल्ट मिल लगा आपने। और भाई 1 महीने ट्राई करके आप वीडियो पाकर फिर कमेंट करके मैंने बता सको हो कि आपने के रिजल्ट मिल लिया के नहीं मिल लिया। और भाई वीडियो पसंद आवे तो लाइक लुइक कर दिया करो, फॉलो फॉलो कर दिया करो, है थारा भाई हूँ मैं भी जाते वीडियो बनाना आ रहा हूँ। और भाई जाते जाते फिर एक के बात कहूँगे भोले बाबा जी सा किसी हम दम नहीं और देसी किसी तो कम नहीं।